जलाई सार में एक बसता नया दाम से एर जलाई सार में बसता नया धन्यवाद समाज सेवी सतवीर गांव घेरी अकबरपुर बड़े भाई सुरजीत सिंह बहुत ही समाज सेवी ये भी गांव घेरिया से बेटा ये भी रख लेवा के बाद बोला लट्टू तेरा नाम बड़ा सुना मैंने 30-32 साल से लेकिन आज दादा भूमि की अदालत में बेटे मैंने आज पहली बार देखा है ताड़ी बजाओ सच्चाई मेरे दादा ने मेरा जागरण पहली बार देखा हुआ था।
मैं जेपी मताना की बात कर रहा था, मेरी 55 साल की उम्र होगी, 55 साल की उम्र में राम लाणिया ढाका जो रोमियो का पापा है उसने बैनर लगा दिया भाई कलाकारी से शिनाश। मैं लगा के कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे चार चेले हैं बरवाड़ा में, धर्मवीर और हनुमान और डॉक्टर अनंतराम बरवाड़ा ने कहा भाई तेरी कद काठी ठीक है, तेरे बीमारी नहीं है, हर तरह को बीमारियों की जयपाल मैं दूर करूंगा, ताड़ी बजाओ। अंतराम ने 5 साल दे दी मेरे को, मैं 60 साल में त्रिबुढ़ापा पेंशन भी हो जाएगी और फिर लगा दिए बैनर। तो जेपी इसलिए अब निश्चय बेटा बेटा मेरे पास चुस्कार था, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं इस बात में खुश खोने जेपी मताना मेरे पास चुस्कार है, मैं इस बात में खुश हूँ। ताड़ी बजाय किसी अच्छे खानदान के माँ बाप इसके अंदर संस्कार डले हुए हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया सोच है कि भाई मेरी उम्र कातर जयपाल 33 साल हो गए, मेरी उम्र कितनी है, कब लगे थे मेरे गुरु जी, बहुत अच्छे खानदान से अच्छा है और मैं तो मेरी शक्ति भक्ति सारा ज्ञान मैं जेपी मताना को दूंगा, क्यों इसने लंबा चलना है, मेरी फिल्म समाप्ति की ओर है। गुरु जी आए थे स्वामी राजगीर जी महाराज, सिर पर हाथ धरे और 100 रुपए से अपने बेटे का मान सम्मान किया, नमन करता हूं गुरु जी, क्या कहा तीसरी कड़ी में,
खटक जी, बहुत अच्छा नाम है खटक। क्यों जब गुरुआ के दाते तो खटक किस बात के लिए, बहुत अच्छा नाम है भाई का। जो अपना हॉस्पिटल में भगत ताराचंद की जो पत्नी है, जो हॉस्पिटल में नौकरी करती, ताड़ी बजाओ देवी का, दिल से धन्यवाद करता हूँ महान का। छोर पे मेरे साथी देखा था, क्या नाम आपका गुरुजी, क्या नाम है, छोर पे देखा बता के जाए, जोरदार ताली बजाओ भाई। साजिद नाग के नाम का।